प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में आरसी प्रसाद सिंह का जीवन परिचय एवं उनकी रचना की जानकारी दी जा रही है। हिंदी और मैथिली भाषा के प्रमुख हस्ताक्षर, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि, कथाकार और एकांकीकार महाकवि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1911 को बिहार के समस्तीपुर जिला में रोसड़ा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बागमती नदी के किनारे एक गांव एरोत, पूर्व नाम एरावत में हुआ था। यह गांव महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, इसलिए इस गांव को आरसी नगर एरावत भी कहा जाता है। आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। बिहार के श्रेष्ठ कवियों में इन्हें गिना जाता है। आरसी प्रसाद सिंह हिंदी और मैथिली भाषा के ऐसे प्रमुख हस्ताक्षर थे जिनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहा है। इस महाकवि ने हिंदी साहित्य में बाल्यकाल, कथाकाव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियां समेत कई रचनाएं हिंदी एवं मैथिली साहित्य को समर्पित की थी। आरसी बाबू साहित्य से जुड़े रहने के अतिरिक्त राजनीतिक रूप से भी जागरूक एवं निर्भीक रहे। उन्होंने अपनी लेखनी और नेताओं पर कटाक्ष करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। राजा श्रेष्ठ खुराना आरसी प्रसाद सिंह के बारे में पद्म भूषण प्राप्त अमृतलाल नागर ने कहा था कि जब कभी देख लेता हूँ दिल खुश हो जाता है। आरसी ने मुझे प्राचीन साहित्यिक निष्ठा के सहज दर्शन मिलते हैं। अगर आरसी प्रसाद के व्यक्तित्व की बात की जाए तो उन्होंने कभी भी परवर्षता स्वीकार नहीं की। उम्र भर नियंत्रण के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते रहे। 40 के दशक में जयपुर नरेश महाकवि आरसी को अपने यहाँ राज कवि के रूप में सम्मानित करना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने काफ़ी आग्रह अनुनय विनय किया, परंतु आरसी बाबू ने चरणवृत्ति तथा राजाश्रय को ठुकरा दिया। ऐसी थी महाकवि आरसी की खासियत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विष्णु प्रभाकर, शिवमंगल सिंह सुमन, बुद्धिनाथ मिश्र और अज्ञेय समेत कई रचनाकारों ने हिंदी और मैथिली साहित्य के इस विभूति को सम्मान दिया। आरसी प्रसाद सिंह से जुड़े संस्मरण के बारे में पत्रकार संजीव कुमार सिंह कहते हैं कि 1956 से 1958 के बीच उन्होंने आकाशवाणी लखनऊ एवं आकाशवाणी इलाहाबाद में हिंदी कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी।
इस दौरान आकाशवाणी के एक अधिकारी उन पर हमेशा हावी रहते थे। एक दिन उन्होंने अमर चेतना का कलाकार शिल्पी पराधीन होना नहीं चाहता, भुवन मोहिनी सृष्टि का विधाता कभी दीन होना नहीं चाहता, लिखकर अपना त्याग पत्र उसे सौंप दिया। हिंदी की प्रकाशित कृतियां, कविता आजकल, कलापी, संचयिता, आरसी, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांच जन्य, द्वंद समास, सोने का झरना, कथा माला, प्रबंध काव्य, नंददास, संजीवनी, आरण्यक, उदय गीत, प्रेम गीत, कहानी, पंचपल्लव, खोटा सिक्का, काल रात्रि, एक प्याला चाय, आंधी के पत्ते और ठंडी छाया इनकी कहानी है। बाल साहित्य, चंदा मामा, चित्रों में लोरियां, ओ नमासी, राम कथा, जादू का वंशी, कागज की नाव, बाल गोपाल, हीरा मोती, जगमग, कलम और बंदूक। समीक्षा, कविवर सुमित, युग और साहित्य मैथिली की प्रकाशित कृतियां, कविता माटिक, दीप, पूजाक फूल, मेघदूत, सूर्यमुखी, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको इसी पर मिला था। अप्रकाशित कृतियां इनकी जो हैं वह इस प्रकार हैं, कविता कचनार, जलकल्लोल, वन मरमर, मधुमल्लिका, आग और धुआं, जय भारती, वलाका, संकलिता, अमावस्या, आवारा बादल, आकाश कुसुम, चतुरंग, जो धारा से उठे, महकती कल्पना मेरी, शिखर चेतना मेरी, एकांकी, टूटे हुए दिल, कलंक मोचन, वैतरणी के तीर पर, जब दुनिया अबोध थी, समझौता, पुनर्मिलन, बाल साहित्य, बता रहे हैं हिंदी की पहली पुस्तक, रुनझुन, पंचमेल, रंग रंगीला, बाल कथा संग्रह, मैथिली की अप्रकाशित कृतियाँ, विविधा कविता संग्रह, भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार की मृत्यु बिहार में 15 नवंबर 1996 ईस्वी को हुई। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।